हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है ना, पीजीडीसीए एग्जाम 2023-2024 में हो रहे हैं। हम बात करते हैं सेमेस्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आज इस वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। और जितने भी मैंने वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही पेपर में देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 का है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा जो आप एग्जाम में लिख पाओगे, राइट। तो मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि मल्टीमीडिया कहते किसे हैं। तो मैं यदि यहां पर लिखता हूं मल्टीमीडिया, तो मल्टी का मतलब और मीडिया का मतलब दोनों अलग अलग है, राइट। मल्टी का मतलब क्या होता है, अनेक, और मीडिया का मतलब क्या होता है, साधन। यदि मैं यहां पर मल्टीमीडिया हेडिंग लिखूंगा और डैश करके आगे लिखूंगा, तो आपको लिखना क्या होगा, मल्टीमीडिया मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया, जहां मल्टी का मतलब होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है साधन। अर्थात जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और भी अनेक प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया, जहां मल्टी का मतलब होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है साधन। अर्थात जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। इसका उपयोग किसी भी इंफॉर्मेशन को आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है और इसका जनरल उपयोग किसी भी एजुकेशन क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि जो मल्टीमीडिया होते हैं इनका उपयोग हम दो तरीके से करते हैं। जैसा मैं बोलता हूं आपको बस वैसे ही क्वेश्चन लिखना है आपके एग्जाम में आए। तो मल्टीमीडिया का उपयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं हार्डवेयर के रूप में, क्या एक कर सकते हैं हम हार्डवेयर के रूप में और दूसरा कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर के रूप में, राइट। अब हार्डवेयर में क्या सकता है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मॉनिटर हो गया। अब बोलोगे सर ये कैसे, ये बताओ, जो अपना मॉनिटर वो मल्टीमीडिया होता है, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, मनोरंजन का साधन। तो क्या जो सीडी में डेटा आता है क्या हम उसमें गाने, वीडियो सब भर सकते हैं और हम मॉनिटर की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो विंडो मीडिया प्लेयर, ये भी क्या है, विंडो मीडिया प्लेयर, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम वीडियो को चला सकते हैं। तो आपको इतना लिखना है किसमें, मल्टीमीडिया में। फिर इसके बाद हाँ, मल्टीमीडिया क्या है, इतनी चीजें लिखना है कि मल्टीमीडिया किसे कहते हैं। इसके बाद इसके कंपोनेंट और एलिमेंट, कंपोनेंट और एलिमेंट का मतलब होता है कि मल्टीमीडिया को चलाने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होती है, या फिर बोल सकते हैं कि मल्टीमीडिया में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो इसके बाद हेडिंग आप लोग लिखोगे मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट, डैश करके आगे क्या लिखोगे, मैं यहां से बताता चलता हूं, आप थोड़ा सा गौर करना। मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट, अब जो मल्टीमीडिया के कंपोनेंट होंगे हेडिंग क्या लिखोगे, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट, कंपोनेंट और एलिमेंट, ये आपकी हेडिंग रहेगी। ब्लैक कलर से पेन से हेडिंग लिखना, ओके। फिर यहां पर लिखना मल्टीमीडिया कंपोनेंट और एलिमेंट मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इसके बाद इसी में इमेज आ जाती है, इमेज के बाद इसी में तीसरे नंबर में साउंड आ जाता है। ये सब क्या है, मल्टीमीडिया की ही है। साउंड के बाद वीडियो आ जाता है और इसी में एनिमेशन आ जाता है, ठीक है, एनिमेशन आ जाता है, इसी में ग्राफिक्स आ जाते हैं। ये सब क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट और कंपोनेंट। फिर आपको क्या करना है कि मल्टीमीडिया का आप आधे पेज में एक सर्कल बनाना, और जब सर्कल बन जाए ना तो जितना आधा पेज बचा है बकायदे आप यहां पर ऐसे डब्बे देना, और हर एक डब्बे में एक कंपोनेंट और एलिमेंट का नाम लिखना है, ठीक है ना। जैसे मैं यहां पर दिया टेक्स्ट,
इसके बाद दिया मैं इमेज, इसके बाद मैं यहां पर दिया साउंड, यहां पर दिया मैंने ऑडियो, और यहां पर एक और बनाना आप वीडियो, और यहां पर एक और बना लेना एनिमेशन। क्या छह हुए? बिल्कुल हो गए। तो ये क्या होंगे अपने मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट, और इसमें इस सर्कल में क्या लिखना है? मल्टीमीडिया, ठीक है ना। अब डेफिनेशन क्या हुई? मल्टीमीडिया जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। फिर आपको एक एक के बारे में लिखना है, जैसे टेक्स्ट, अब हेडिंग लिखोगे, ये पूरा चित्र बना, उसके नीचे एक एक का डिस्क्रिप्टिव देना है। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट किसे कहते हैं? मैं डेफिनेशन देता हूं, कैरेक्टरों के समूह को टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट की सहायता से किसी भी एप्लीकेशन में अनेक प्रकार की फाइलें बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे फुल स्टॉप करके, कि टेक्स्ट मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला होता है अपना सिंपल टेक्स्ट, जिसको बोला जाता है साधारण टेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद इसी में आता है सिंपल टेक्स्ट के अलावा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसी में आएगा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, और इसी में एक और आ जाता है डॉट पीडीएफ टेक्स्ट। ये चार टेक्स्ट होते हैं। सिंपल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे टेक्स्ट जो हम लिख कर छोड़ देते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं करते हैं, उन्हें सिंपल टेक्स्ट कहते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट किसे कहते हैं? ऐसे टेक्स्ट जो लिखने के बाद हम उनको कुछ सजाते हैं, या फिर उसमें फॉर्मेटिंग करके उसको चेंज या उसमें कुछ स्टाइल लगाते हैं, उनको फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलते हैं। हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? ऐसे टेक्स्ट जिसकी सहायता से हम वेबसाइट बनाते हैं, उन्हें हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। पीडीएफ टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट जिनको लिखकर जब हम फाइल सेव करते हैं तो फाइल सेव का जो एक्सटेंशन होता है वो पीडीएफ देने से जो टेक्स्ट होता है वह इमेज के रूप में बन जाता है। मतलब किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को एक इमेज बनाने के लिए जिस एक्सटेंशन कोड का यूज किया जाता है उसे पीडीएफ कहते हैं, राइट। इसके बाद अपना आता है एनिमेशन। एनिमेशन किसे कहते हैं? किसी भी स्थायी वस्तु को मूवमेंट या उसको गति प्रदान करना एनिमेशन कहलाता है, या निर्जीव वस्तु को जीवंत रूप में दिखाने की प्रक्रिया को एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D मतलब होता है द्विविमीय, 3D मतलब होता है त्रिविमीय। जो 2D होता है, ऐसे एनिमेशन जो 2D के होते हैं वो पिक्सल से मिलकर बनते हैं, और ऐसे एनिमेशन जो अपने फ्रेम से मिलकर बनते हैं, फ्रेम, कर्व, लाइन, उन्हें 3D एनिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इमेज की बात करते हैं। तो इमेज क्या कहलाता है? किस मल्टीमीडिया में किसी भी जानकारी को इंटरेक्टिव या आकर्षित बनाने के लिए जिस चित्र का उपयोग किया जाता है उसे इमेज कहते हैं। इमेज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अपनी बिटमैप इमेज, दूसरी होती है अपनी वेक्टर इमेज। बिटमैप इमेज किसे कहते हैं? ऐसी इमेज जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है और बिटमैप इमेज कहलाती है। वेक्टर इमेज ऐसी इमेज जो नोड्स लाइन से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? वेक्टर इमेज कहते हैं। बात करते हैं साउंड और ऑडियो की। इसके पहले मैंने आपको साउंड और ऑडियो बताया था। साउंड क्या कहलाता है? साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। और ऑडियो का मतलब क्या होता है? ध्वनि। अब बोलोगे सर ऑडियो साउंड तो सेम एक से लग रहे हैं, लेकिन अंतर थोड़ा सा है, समझने का प्रयास करना। साउंड का मतलब होता है आवाज। आवाज कौन निकाल सकता है? जिसके अंदर जीव होता है, जैसे मानव की आवाज, जानवरों की आवाज, पक्षियों की आवाज, ये सब क्या कहलाता है? साउंड कहलाता है। लेकिन जब इसी आवाज को रिकॉर्ड करने के बाद हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा सुनते हैं तो उसको बोलते हैं ध्वनि। उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि। और ध्वनि का मतलब ऑडियो। मतलब कि रिकॉर्ड की हुई आवाज को जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा सुना जाता है तो उसे ऑडियो कहते हैं, राइट। बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो किसे कहते हैं? ऐसा टेक्स्ट जिसमें या ऐसा डेटा जिसमें इमेज और वीडियो हमें चलचित्र रूप से प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम वीडियो कहते हैं, राइट। तो आपको इतना सारा लिखना है किसमें? मल्टीमीडिया ऑफ मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट और एलिमेंट, राइट। इसके बाद हमें OLE, MU, MIUI के कॉन्सेप्ट को समझाना है। इसके पहले भी मैंने OLE, MIUI के कॉन्सेप्ट को समझाया था, एक बार और देख लीजिए, एक मिनट।
इसके बाद यदि मैं बात करता हूं OLE के कॉन्सेप्ट की तो देखना क्या होता है। मैंने बोला OLE और यहां से आता है MIUI। OLE का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग, ये होता है फुल फॉर्म। इसके पहले मैंने वीडियो बहुत अच्छे समझाया है। MI का मतलब क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजर इंटरफेस, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, थोड़ा ध्यान समझना। OLE का मतलब होता है यदि मैं एक एप्लीकेशन लिया MS Word और यहां से दूसरा एप्लीकेशन लिया MS Excel, ठीक है ना, Excel। इसके बाद मैंने बोला MS Word में ये कोई टकलू है, हम MS Word से यहां पर लाते हैं और इस टकलू को यहां पर छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, एक एक वर्ड के द्वारा समझाता हूं मैं। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो हमने टकलू लिया ग्राफिक्स को, ठीक है ना। एल का मतलब क्या होता है? लिंकिंग। लिंकिंग मतलब जब एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाता है तो उसे लिंकिंग कहते हैं। एम्बेडिंग का मतलब होता है दूसरे एप्लीकेशन में किसी ग्राफिक्स को छोड़ देना, एम्बेडिंग कहलाता है। अब OLE की डेफिनेशन सुनना। जब सोर्स एप्लीकेशन से, सोर्स मतलब जहां से हम ले जा रहे हैं उसको सोर्स बोलते हैं, और जहां पर छोड़ते हैं उसको डेस्टिनेशन कहा जाता है, राइट। तो सोर्स एप्लीकेशन से जब किसी ग्राफिक्स को डेस्टिनेशन एप्लीकेशन में ले जाकर छोड़ देते हैं तो यह प्रोसेस OLE कहलाती है। क्या कहलाती है? OLE कहलाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? ऐसी डिवाइस, चाहे वो आपकी ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, सब में क्या होता है? म्यूजिकल मतलब ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे हम ऑडियो सुन सकते हैं, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? MIUI के काम पर काम, MIUI में काम करता है, ठीक है ना। बात करते हैं प्लेन टेस्ट, फॉर्मेट टेस्ट, RTF टेस्ट। अब यहां से प्लेन टेस्ट का मतलब होता है साधारण पाठ। साधारण पाठ का मतलब क्या होता है कि यदि मैं कोई टाइपिंग करता हूं या फाइल बनाता हूं तो उसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा, तो इस प्रकार के टेक्स्ट जो फाइल में लिए जाते हैं उस टेक्स्ट को प्लेन टेस्ट कहते हैं। फॉर्मेट टेस्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे टेक्स्ट जिसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग की जाती है, एडिटिंग की जाती है, वो क्या कहलाते हैं? फॉर्मेट टेस्ट। RTF टेस्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे टेस्ट जिनमें हम फॉर्मेट टेक्स्ट की अपेक्षा RTF टेक्स्ट में कम फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब इसमें कम फॉर्मेटिंग करते हैं और इसमें इसकी अपेक्षा ज्यादा फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब फॉर्मेट में अधिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और .RTF में कम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है यूनिट नंबर फर्स्ट का कंप्लीट वीडियो। इसके बाहर का क्वेश्चन आएगा भी तो आपसे बन जाएगा, ओके। इसके बाद यहां पर मैं यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक मैं वीडियो पुश करता हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में पूरा साउंड है। देखो यूनिट नंबर 1 में क्या है? मल्टीमीडिया पूरा बताया गया है। यूनिट नंबर 2 में आप साउंड के बारे में पढ़ोगे, और यूनिट नंबर 3 में आप इमेज के बारे में पढ़ोगे, यूनिट नंबर 4 में वीडियो के बारे में पढ़ोगे, और यूनिट नंबर 5 में वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ोगे। मतलब मल्टीमीडिया आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट नंबर 1 में मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देना है। यूनिट नंबर 2 में हमको ओनली साउंड के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में किसी भी इमेज के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में हम वीडियो के बारे में पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 5 में केवल और केवल हमें वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले मैं बताता हूं साउंड की अवधारणा। साउंड मतलब क्या होता है? आवाज। और आवाज कैसे निकलती है? किसी भी जीव या व्यक्ति या जानवर या पक्षियों के द्वारा निकाली जाती है, उसे साउंड कहते हैं। और बात करता हूं मैं साउंड में, अच्छा यहां पर साउंड और ध्वनि, पहले दो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या? एक होता है साउंड और दूसरा होता है ध्वनि, मतलब ऑडियो। अब ये साउंड और ऑडियो, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो साउंड होता है उसको बोलते हैं आवाज, और ऑडियो मतलब क्या होती है? ध्वनि होती है। साउंड मतलब किसी जीवांत वस्तु या किसी जीवांत मनुष्य के द्वारा निकाला जाता है। जैसे मैं जो निकालता हूं वो क्या है? आवाज है। लेकिन जो आप
मेरी रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनोगे तो उसको क्या बोलेंगे, ऑडियो बोलेंगे। यदि आप दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, वो साउंड कहलाता है। और ऑडियो जब उसी बात को रिकॉर्डिंग करके हम यदि सुनते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑडियो कहलाता है। तो यदि हम बात करते हैं मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड, मैं अंदर देखू तो मोनो साउंड का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर ओनली कॉन्सेप्ट दूंगा और जो अलग से वीडियो बना के रखा हूं उसमें पूरे अंतर दिया हूं, यहाँ पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये कहलाते क्या है, ठीक है ना। बाकी अंतर आप खुद ब खुद लिख लोगे, एक बार वीडियो देखना पिछली वीडियो, तो आपको लाजवाब मजा आने वाला है। मोनो साउंड मतलब ऐसी आवाज जो केवल एक ही चैनल के द्वारा मिलती है, एक ही स्रोत के द्वारा पैदा होती है, उसे मोनो साउंड कहते हैं। स्टीरियो साउंड ऐसी आवाज जो वाद्य यंत्रों के द्वारा निकाली जाती है उसे स्टीरियो साउंड कहते हैं, ठीक है ना। या फिर जो अनेक चैनलों के समूह से मिलकर जो एक आवाज निकलती है उसे स्टीरियो साउंड कहते हैं। मोनो साउंड केवल एक ही जगह से जो आवाज निकलती है मोनो साउंड कहलाती है। एनालॉग साउंड किसे कहते हैं, ऐसी आवाज जो ध्वनि के कंपन से उत्पन्न होती है उसे एनालॉग साउंड कहते हैं। डिजिटल साउंड किसे कहते हैं, ऐसे साउंड जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा प्राप्त होते हैं उसे डिजिटल साउंड कहते हैं। एनालॉग साउंड को डिजिटल साउंड में बदलने के लिए या डिजिटल साउंड में सुनने के लिए पहले डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। सीधी बात है, एनालॉग साउंड का मतलब ये होता है ऐसी आवाज जो ध्वनि के कंपन से, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, एक एनालॉग साउंड हूं, ठीक है ना। डिजिटल साउंड जो हम किसी भी प्रकार के स्पीकर से सुनते हैं ना, वो क्या होता है, वो डिजिटल साउंड होता है। और बात करते हैं अपन साउंड की अवधारणा, तो साउंड की अवधारणा में क्या क्या जाते हैं, अपना जो हम आवाज निकालते हैं वो सब साउंड है, और जितनी में ये चीजें बताया हूं वो सब साउंड की अवधारणा में भी लिख सकते हो। बात करते हैं ध्वनि के गुण की, तो ध्वनि के गुण क्या कहलाते हैं, आवृत्ति हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, आयाम हो गया। अब आवृत्ति क्या कहलाती है, एक सेकेंड में तरंगों की साइकिलों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। जैसे मैं बोला कि एक तरंग यहां से लेके ये आई, तो एक सेकेंड में कितने बार वो तरंग आई उनकी संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, ठीक है ना। और तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है, एक साइकिल पूरा होने में जितना समय लगा तरंग दैर्ध्य। आयाम क्या कहलाता है, एक साइकिल मतलब यहां और यहां के बीच की दूरी, वो क्या कहलाती है, अपनी आयाम कहलाती है, ठीक है ना। तो ये यूनिट से आपको कुछ भी नहीं ज्यादा सीखना, केवल साउंड के बारे में देखना है, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बना दिया हूं इसलिए थोड़ा मोटा मोटा बता दिया। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 3 की, उसमें पूरा इमेज के बारे में अपन को एक एक चीज से सीखना है। तो इसके लिए मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं, जब तक वीडियो पुश करता हूं। हाँ, यूनिट नंबर 3 में मैंने क्या बोला था, पूरा इमेज के बारे में पढ़ना है। और क्वेश्चन क्या आया, मल्टीमीडिया में चित्र का क्या महत्व है समझाइए। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप कोई नाटक देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो इसमें रहता क्या है कि आप कभी भी कोई इमेज देखते हो ना, तो उस इमेज को देखकर आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। वो उदास बैठे तो आप बोल दोगे कि ये खुश नहीं है, पता नहीं क्या समस्या है। तो मल्टीमीडिया में चित्र का महत्व बहुत ज्यादा है। यदि मैं कोई भी मूवी या फाइल बना रहा हूं और उस फाइल में एक अजीब प्रकार की पिक्चर रख दूंगा, तो अब उस फोटो को देखकर कम से कम उसके बारे में 2 पेज लिख दोगे कि यह चित्र ऐसा क्यों है, कुछ समस्या हो सकती है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, मल्टीमीडिया में चित्र का महत्व। अब बात करते हैं चित्र में क्या गुण हो सकते हैं, तो चित्र का आकार बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, चित्र का रंग, अनेक प्रकार के रंग उसमें समाहित हो सकते हैं। बात करते हैं गहराई की, कि पिक्चर की कितनी डेप्थ हो सकती है, कितना कम हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं सघनता की, तो सघनता का मतलब क्या होता है, दरवाजे पर सघनता का मतलब क्या होता है कि जो मेरी पिक्चर है उस पिक्चर कितनी स्पष्ट दिखाई देती है। ये किस पर डिपेंड करता है, पिक्सलों की संख्या पर। यदि पिक्सल बहुत ज्यादा रहते हैं तो वह सघनता बहुत अच्छी होगी, मतलब पिक्चर की स्पष्टता बहुत अधिक होगी, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन अगली बात, इमेज कैप्चर करने की विधियां।
इमेज कैप्चर करने की विधियां भी मैंने आपको जब थर्ड यूनिट पढ़ा रहा था तो इसका पूरा विवरण दिया था। इमेज कैप्चर का मतलब होता है पिक्चर को कैसे कैद किया जाता है, कैद करने की कितनी विधियां होती हैं। तो कैद करने की मैंने आपको तीन विधियां बताई थी। कौन कौन सी विधियां बताई थी? पहली विधि बताई थी डिजिटल कैमरा के द्वारा, ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्कैनर के द्वारा। इसके बाद आपको बताया था मेंटिकोस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ये तीन प्रकार की विधि से आप किसी प्रकार की इमेज को कैप्चर कर सकते हो, राइट। इसके बाद बात करते हैं अपन रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज, मतलब ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या अंतर है? तो रास्टर और वेक्टर, रास्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होती हैं या वे इमेज होती हैं जो पिक्सल से मिलकर बनी होती हैं, उसे रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स वे होती हैं जो किस तरह मिलकर बनती हैं, लाइन कर्व या नोड से मिलकर बनती हैं, वो वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं। ये पहला अंतर हुआ। इसमें मैंने आपको छह अंतर बताया है, ठीक है ना। यदि इसकी वीडियो ना मिले तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वीडियो ही शेयर कर दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। यहां पर मैं केवल आपको हिंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। वीडियो यदि लंबी बनाऊंगा तो कम से कम डेढ़ घंटे की वीडियो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पॉसिबल है भी तो आप देख नहीं सकते। मॉर्फिंग और रेंडरिंग क्या कहलाती है? मॉर्फिंग एक ऐसी तकनीकी होती है जो किसी एक इमेज को दूसरी इमेज में बदला जा सकता है, उसे मॉर्फिंग कहते हैं। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर देखा होगा जो बिल्ली से जहाज बना दे, बंदर से बिल्ली बना दे, बंदर से डॉग बना दे, वो सब क्या है? ये तकनीकी मॉर्फिंग कहलाती है। और रेंडरिंग क्या कहलाती है? जब किसी भी टेक्स्ट को फाइल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेंडरिंग कहते हैं। तो इनके बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूं, अलग से वीडियो बनाया हूं, तो आप उसमें जाकर देख लेना। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं और यहां पर मैं केवल वर्डों का महत्व बता रहा हूं, ओके। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर फोर्थ की, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कैसे रहता है, ये सारी चीजें मैं यूनिट नंबर फोर्थ में बताता हूं। तो अब इसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ में देखो, मैं कुल दो दो तीन तीन क्वेश्चन ला रहा हूं। और यदि मैं बात कर रहा हूं इन क्वेश्चन के अलावा और कुछ भी आ जाएगा ना, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लिए सो आपका काम हो जाएगा। क्यों? वीडियो हमको फोर्थ यूनिट में वीडियो के बारे में लिखना है भाई साहब, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन की अवधारणा समझाइए। अब ये कोई क्वेश्चन थोड़ा है, हाँ, कि मल्टीमीडिया में एनिमेशन की अवधारणा समझाइए। पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं कि एनिमेशन की डेफिनेशन क्या होगी। किसी भी निर्जीव वस्तु को जीवांत रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया एनिमेशन कहलाती है। या बोल सकते हैं किसी स्थायी वस्तु को मूवमेंट प्रदान करने की प्रक्रिया एनिमेशन कहलाती है, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूं एनिमेशन के महत्व में। तो एनिमेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D मतलब क्या होता है? टू डायमेंशन, और 3D मतलब थ्री डायमेंशन। 2D मतलब द्विविमीय, 3D मतलब त्रिविमीय। मतलब 2D एनिमेशन जो होता है वह एक पिक्सल का समूह होता है, जबकि 3D एनिमेशन जो होता है वह लाइन कर्व तथा नोड का कलेक्शन होता है। जो 2D एनिमेशन होता है वह इफेक्टिवल होता है किसके? 3D। मतलब यदि आप 2D एनिमेशन का यूज करोगे, आप 2D एनिमेशन का यूज करोगे और 3D एनिमेशन का यूज करोगे तो आप ज्यादा आकर्षित 3D एनिमेशन में रहोगे। क्यों? क्योंकि 3D एनिमेशन जो रहेगा वो वाकई में दिखेगा कि ये एनिमेशन बिल्कुल एकदम जीवांत के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना, जैसे इसके अंदर किसी प्रकार का जीव उपलब्ध हो। और बाकी जितने भी एनिमेशन हैं ये आप अपनी बुक से पढ़ लेना, मैंने वीडियो बनाया है उसमें जाके देख लेना। केवल यहां पर मेरा था क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन का मतलब समझाना है। यदि आप बुक में ना भी पढ़ोगे तो आप अपने मन से पूरा लिख कर आ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बोल दिया
कि आपको यूनिट बाय यूनिट कैसे आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड में एनालॉग वीडियो डिजिटल वीडियो। मैं आप एनालॉग का मतलब फिर से एक बार बता रहा हूं कि जो एनालॉग का मतलब होता है वो क्या होता है, संकेत। एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग वीडियो और डिजिटल वीडियो का मतलब क्या होता है, डिजिटल। डिजिटल वीडियो, एनालॉग का मतलब होता है संकेतिक और डिजिटल का मतलब होता है जो हम नॉर्मली देखते हैं, जो जीरो और वन के फॉर्म में होता है उसे डिजिटल बोलते हैं। तो एनालॉग मतलब जैसे मैं बोलता हूँ एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच, दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे दीवार घड़ी होती है वह यदि दो बजता है तो घंटे का कांटा दो में रहता है, मिनट का कांटा बारह में रहता है, तो हम कांटे के संकेत को देखकर बता देते हैं टाइम कितना हुआ, दैट इज एनालॉग वॉच। डिजिटल वॉच क्या कहलाता है, जो केवल अंकों में समय बताता है, जैसे 12 बज गए तो 12, उसे क्या कहते हैं, डिजिटल वीडियो कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने एक पर्सनल वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख लेना, लर्न कर लेना, बहुत अच्छे तरीके समझा के रखा हूं तो उसमें आप देख लेना, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एनालॉग और डिजिटल का मतलब समझा दिया है। इसके बाद जो टिप्पणी है, ये सारी टिप्पणी वीडियो फॉर्मेट है। वीडियो फॉर्मेट मतलब ऐसी वीडियो जिसमें कम पिक्सल होते हैं उस वीडियो फॉर्मेट को क्या कहते हैं, ऐसे वीडियो जिसमें बहुत सारे पिक्सल होते हैं उस वीडियो के फॉर्मेट को क्या कहते हैं। तो ये सब क्या है, वीडियो फॉर्मेट पर टिप्पणी है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये कैम और कैम कॉर्डर होता है, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का डिवाइस है, इसमें तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, हम किसी प्रकार के ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार के रिकॉर्ड कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लेंस होता है, इमेज होता है और रिकॉर्ड, तीनों चीजें होती हैं, ठीक है ना, तीनों का संग्रह होता है, कैमकॉर्डर होता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार यूनिट नंबर 4 से वीडियो में हर चीज लिख सकते हो, वीडियो के बारे में लिखना है। आपको बार बार बोलते जा रहा हूं, यदि आप यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 यहां तक आपने पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन बने ना बने आपको ध्यान रखना है, यूनिट नंबर 1 में मल्टीमीडिया लिखना है, यूनिट नंबर 2 में आप साउंड के बारे में लिखना, क्वेश्चन कुछ भी यार साउंड और ऑडियो के बारे में लिखना है, यूनिट नंबर 3 में आपको इमेज या चित्र के बारे में लिखना है, यूनिट नंबर 4 में आपको वीडियो के बारे में लिखना है, ठीक है ना। और जो मैं अब बनाऊंगा यूनिट नंबर 5, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, वो रहेगा क्या, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, जो मैं अभी आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब मैं यूनिट नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर आगे बताने का प्रयास कर रहा हूं। फाइनली यूनिट 5 में हम लोग पहुंच गए हैं, ओके। यदि मैं वर्चुअल रियलिटी का मीनिंग बताऊं तो आप लोग भी समझना होता क्या है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी, क्या होता है, आभासी। और रियलिटी का मतलब क्या होता है, वास्तविक। यदि मैं बोलता हूं कि आपको कोई काल्पनिक चीजें दे दी जाएं और आपको वही काल्पनिक चीजें आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगने लगता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, वर्चुअल रियलिटी, ठीक ना। मतलब काल्पनिक चीजें जब आपको ओरिजिनल रूप में महसूस होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं बोलता हूं जो वर्चुअल रियलिटी होता है ना, वो ये इस प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसे जो ऐसे होता है वो अपना एक होल यहां पर होता है, आंखों में लगाई जाती है, एक यहां पर एक यहां पर, ठीक है ना। जब ऐसे दोनों आंखों में लगा लेते हैं और इसके बाद जब हम उसमें कुछ चीजें प्ले करते हैं, तो प्ले करने के बाद काल्पनिक चीजें जो हम हैं वो एकदम रियलिटी लगने लगती हैं। तो जो ये हमारा होता है, ये हेलमेट टाइप का होता है, इसको क्या बोला जाता है, हेड, इसको बोला जाता है माउंटेंड हेड, माउंटेंड क्या बोला जाता है, एक मिनट, माउंटेन डिस्प्ले MHMD, एक मिनट
सब्र रखो मैं बता रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हेड माउंटेन डिस्प्ले, राइट, हेड माउंटेन डिस्प्ले, HMD, हेड माउंट डिस्प्ले, ठीक है ना। आई अलग भी कर दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लगा रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक क्या होता है हमारा, हेलमेट टाइप में होता है, और इस हेलमेट लेआउट को, ढांचे को क्या बोलते हैं, HMD, हेड माउंट डिस्प्ले, और इसके अंदर जो दो अपन आंखें से देखते हैं इनको बूम बोलते हैं। क्या बूम बोलते हैं, ध्यान रखना, बूम, बूम नंबर वन और बूम नंबर टू। जब हम इसको ऐसे लगाएंगे तो एक आंख इसमें चली जाएगी, एक आंख इसमें चली जाएगी, ठीक है ना। और जब इसके अंदर जो चीजें हम देखते हैं, बूम के अंदर जो चीजें देखते हैं वह किसमें देखते हैं, वो कैब कहलाता है। और कैब क्या होता है, जो हम देखते हैं वो भ्रमित पैदा करता है, क्या करता है, वह हमें भ्रम पैदा करता है कि जो चीजें हो रही हैं ये वाकई में रियल हो रही हैं। तो ये किस में होता है, ये कैब में होता है। और HMD मतलब हेड माउंट डिस्प्ले के अंदर क्या होती हैं, दो छिद्र होते हैं जिसे हम बूम कहते हैं, और बूम के अंदर जो हम देखते हैं एक अपना घन टाइप में रहता है वो क्या होता है, कैब होता है। और कैब किसी भी व्यक्ति को भ्रम पैदा करता है, और भ्रम किस प्रकार का पैदा करता है, वह प्रक्रिया कहलाती है अपनी इमर्शन, क्या कहलाती है, इमर्शन कहलाती है। और जो हम भ्रम के प्रकार होते हैं ना, वो क्या होता है, इमर्शन के प्रकार भी होते हैं। जैसे यदि मैं किसी वर्चुअल रियलिटी में कोई काल्पनिक चीजें देख रहा हूं तो उसमें लीन हो गई, तो इस प्रकार के इमर्शन का नाम अलग होता है। मतलब यहाँ से तीन प्रकार के इमर्शन होते हैं, आप अपनी बुक में पढ़ लेना कि इमर्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो मैंने इमर्शन बता दिया कि जो हम कैब के अंदर कोई भी वीडियो देखते हैं तो कैब हमें क्या करता है, उसमें भ्रमित कर देता है। और जो भ्रम होता है, तो जो भ्रम के भ्रम होने से हमारे मन में जो भावनाएं जागृत होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं, वो क्या कहलाता है, इमर्शन कहलाता है। और भावनाओं के प्रकार को इमर्शन के प्रकार कहते हैं, जो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली में होती क्या है। यदि मैं बोलता कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ये कर लेता, ये कर लेता, ये सब क्या है, ये काल्पनिक चीजें हैं। और किसी भी काल्पनिक चीजों को हम उसको रियल रूप में देखना है तो वर्चुअल रियलिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी का क्या उपयोग है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में कैसे, आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, आप कोई एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है, तो इंजीनियर क्या करते हैं, एक छोटी सी पहले बिल्डिंग आप कागज में बनाओगे, फिर उस कागज का पूरा लेआउट किसमें फिट कर दोगे, वर्चुअल रियलिटी में, इसमें बता दोगे, और फिर मालिक से बोलोगे देख लो आपकी बिल्डिंग कैसी है। लेकिन वह बिल्डिंग एक्चुअली में कागज में बनी है, लेकिन जब इसको फिट कर दिया जाता है तो बता दिया जाता है कि आपकी बिल्डिंग कुछ इस प्रकार दिखेगी, तो उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है ना। किसी भी काल्पनिक चीजों को या आभासी बातों को ओरिजिनल रूप में दिखाना वर्चुअल रियलिटी कहलाता है। और जो ये वर्चुअल रियलिटी का ढांचा होता है इसे HMD कहते हैं। इसके अंदर जो दो छिद्र होते हैं उसे बूम कहते हैं, और बूम के अंदर कैब होता है जो हमको भ्रम करता है। वो भ्रम किस प्रकार से होते हैं, वह इमर्शन कहलाते हैं। ओके, तो मैं 5th यूनिट में बस इतना ही, इसके बाद मैं जो भी वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वह मैं आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।